जय हिंद दोस्तों, आज देखिए कि एक वीडियो में साइड में दिखा रहा हूँ, देखिए वो प्रॉब्लम आने से क्या करना है, मतलब कटिंग डाई के अंदर जो बॉटम जाएगा ना वो फंस जाने से क्या करना चाहिए। देखिए उसको पहले तो उसका अंदर जो स्क्रैप जो निकलेगा ना वो नहीं निकलेगा तो उसका अंदर फंसेगा, तो बार बार उसको क्या करना है ना, उसको डाई को खोल देना है, पहले सप्रेसिंग करना है उसको, नीचे वाला को 0.2 सप्रेसिंग करना है और ऊपर वाला को 0.2 सप्रेसिंग करना है, उसके बाद ला के जैसे भी खोले होंगे उसी फिटिंग कर देना है। पहले तो बताया था मेरा वीडियो में यूट्यूब पे जो है, जो उसमें डाला हूँ कैसे कटिंग डाई सेटिंग करते हैं। अभी देखिए कि ये प्रॉब्लम भी वैसे ही सेम टू सेम खोल देना है, खाली फिटिंग कर देना है, लेकिन सप्रेसिंग करना है इसमें 0.2, ऊपर वाला 0.2, 0.2, 0.2, 0.4 सप्रेसिंग करना है। करने से क्या होगा ना, सप्रेसिंग करके उसके बाद थोड़ा सा कटर का नीचे वाला जो बेस रहता है ना उसको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, उसको उठा के टाइट कर देने से वो आराम से कटते रहेगा और स्क्रैप भी जाम नहीं होगा, ठीक है ना। और क्या होगा ना, उसके लिए ध्यान दीजिए कि कटर पतला हो गया कि नहीं, मतलब 3-4 बार अगर हो गया होगा तो सप्रेसिंग, उसके बाद और सप्रेसिंग मत कीजिए, क्योंकि 3-4 बार के बाद सप्रेसिंग करने से वो उसका ब्लेड का जो थिकनेस रहता है ना वो कम जाएगा, कम जाने से वो बॉटम के पास नहीं जाएगा, कटेगा ही नहीं, ठीक है ना। उसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो कटिंग डाई 3 बार ही सप्रेसिंग हो सकता है, वो फिर कितना एक साल तक एक बार सप्रेसिंग करने से सालों नहीं तो 6 महीना तक चलना चाहिए। अच्छा से सप्रेसिंग करवाइए, क्योंकि जहाँ पे सप्रेसिंग करवाते हैं ना उसको जाके बोलिए कि अच्छा से भाई हमको 0.2 सप्रेसिंग करना है, नीचे वाला डाई भी ऊपर वाला डाई भी, ठीक है ना। मेल को भी 0.2 सप्रेसिंग करना है, फीमेल को भी 0.2 सप्रेसिंग करना है। 0.2 करने से क्या होगा, 0.4 सप्रेसिंग रहेगा, सप्रेसिंग रहने से उसका जो नीचे वाला प्लग रॉड है, उसका वीडियो में दिखा रहा हूँ, नीचे वाला प्लग रॉड है उसको थोड़ा सा उठा देने से वो दबाक से काटेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी दिल में आता है कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना है, वीडियो देखिए, ठीक है ना।